आज बेटे हम लोग बात कर रहे हैं कि हमारा प्रेजेंटेशन किस ढंग से हो, ठीक है ना। और इसमें एक चीज समझना पड़ेगा कि ये प्रेजेंटेशन कोई एकेडमिक एक्सरसाइज नहीं है, ये भारत के भविष्य के बदलने के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन होगा, राइट। अभी जो छोटी मोटी चीजें आप अपने लेवल पे कर रहे हो आइसोलेटेड 2 एकड़ में, वो 2 एकड़ की जगह पूरे भारत वर्ष में कैसे इम्प्लीमेंट होगा विद द सीएफबी मेथोडोलॉजी, राइट। सीएफबी इज द क्राइम फ्री भारत मिशन, राइट। तो इसके ढेर सारे मॉड्यूल्स हैं, उसका एक मॉड्यूल है एग्रो मिशन, राइट। तो दिस विल बी द पार्ट ऑफ द सीएफबी एग्रो मिशन, राइट। ठीक ठीक। तो इसमें मेरा सोचना ये है कि अभी तो आपने मालूम नहीं सीएफबी के जो बहुत सारे एग्रो मॉड्यूल के ऊपर वीडियोज हैं वो देखे हैं क्या आपने? नहीं नहीं। अच्छा, तो सबसे पहले आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, यूट्यूब क्राइम फ्री भारत को, ठीक है ना। और उसके जो वीडियोज हैं एग्रो वाले वो आप एक बार देख लें, ठीक है ना। उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि सीएफबी एग्रो मिशन जो है वो भारत से के किसानों को मालामाल कर देगा और जो उसकी लागत है उसको एवोपरेट कर देगा, और जो केमिकल का जो ओवरडोज हो रहा है जिसके कारण कैंसर हो रहे हैं, ऑटोनोमस डिसीज हो रही है, वो चूंकि केमिकल की ओवरडोज विलोपित हो जाएगी, बल्कि केमिकल ही विलोपित हो जाएगा, तो उसी तरीके से कैंसर और ऑटोनोमस डिसीजेज भी अपने आप विलोपित हो जाएगी, ठीक है ना। फिर इसका जो है सीएफबी का आयुष मॉडल भी है जिसके तहत हम सब लोगों को निरोगी बनाएंगे, और इसमें आयुर्वेदिक विल बी प्लेइंग ए मोस्ट डोमिनेंट रोल, राइट। तो आप अब इसलिए जो है आपको बहुत गंभीरता से कार्रवाई करना है, राइट। तो आपने जो जो कार्रवाइयां की है, राइट, जैसे जूम करिए कि आपने अपने खेत के तीन तरफ जो है ना एक टनल खोदी है जिसको आप वाटर हार्वेस्टिंग के लिए यूज कर रहे हैं, राइट। तो एक छोटी सी क्लिप बनाएंगे केवल वाटर हार्वेस्टिंग पार्ट को दिखाते हुए, राइट। ठीक है, राइट। तो पहले उसको एक्सप्लेन करना होगा कि साहब हमने ऐसा किया, वो किया, कैसे खोदा, क्या खोदा, वो सब चीजें भी, ठीक है ना। और पहले पानी का लेवल क्या था, अब पानी का लेवल क्या आया, ये सब चीज जो है वो आप क्लिप की टेक्निकल पॉइंट दिखाएंगे उसमें, और ये चीज मुंह से बताएंगे, क्लियर। हेलो, हाँ हाँ, क्लियर। कितनी बात समझ में आ गई है आपको? हाँ हाँ, आ गई है। अच्छा, फिर आपने दूसरा काम उसमें किया है पेड़ों को लगाने का, राइट। हाँ। तो आपने कौन कौन सी वैरायटी के पेड़ लगाए हैं, दूसरी क्लिप आप फिर पेड़ों के ऊपर बनाओ, ठीक है ना। ठीक है ना। अच्छा, और क्या काम किया आपने उसके ऊपर? बायोगैस है, बायोगैस। एक मिनट एक मिनट, अभी 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 एक एक करके चले। तो पहले जो है हम पहले अभी बायो के पास में गोबर के पास में थोड़ा सा लेट पहुंचेंगे, अभी अपन एक एक करके चलते हैं। तो अभी हमने एक पार्ट कवर कर लिया कि हमने टनल खोद के तीनों तरफ किस तरीके से पानी को अंदर ले गए हम, और इसमें एक्वा कल्चर आप कर रहे हैं क्या, सिर्फ पानी को अंदर ले जा रहे हैं? बस पानी को सेव कर रहे हैं बस। अच्छा, ओके। हाँ। इसमें आपने कोई पानी अंदर ना जाए ऐसी कोई सीट वीट तो नहीं लगाई है? नहीं। हाँ, ठीक है। क्या है? नहीं, वो सीट लगाना भी नहीं चाहिए क्योंकि आपका मकसद पानी को अंदर ले जाना है। हाँ, हाँ, तो यदि आप सीट लगा देंगे तो पानी को तो जाने से आप रोक रहे हैं, राइट। बल्कि पानी तेजी से जाए इसलिए उसके चारों तरफ पेड़ भी लगाएंगे जिससे कि जड़ों के माध्यम से पानी तेजी से अंदर जाए, राइट। दूसरा जो है आपने पेड़ कौन कौन से तरीके के पेड़ लगाए? ठीक है, नहीं नहीं, आपने कौन कौन से तरीके के पेड़ लगाए? हमने कोई भी ऐसा पेड़ नहीं लगाया है, मतलब हमने सब मेसली जो हमने रहते ना, जैसे कि पीपल का लगा है और नहीं पीपल पाथर लगा है, कदम लगे हैं, ये सब चीजें लगी हैं? नहीं नहीं। नीम लगा है? नीम लगा है। हाँ, नीम तो फिर भी लग सकता है। लगा है, सागून लगे हैं और ऐसे पेड़ लगाए हैं, आंवला लगा है। नहीं, चलो आपने जो लगाए हैं आप पेड़ों का वैरायटी कवर करिए। जो सीएफबी का मॉडल है वो आपकी बात आपके हिसाब से बातें नहीं कर रहा है, वो क्या कह रहा है कि हमारे जो पेड़ रहेंगे वो तीन तरीके के पेड़ रहेंगे। एक में रहेगा हॉर्टिकल्चर प्लांट, जो फल जो है
के लिए रहेगा, राइट। फिर हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से कौन सा पेड़ कहाँ पे लगाया जाना चाहिए, राइट। चूंकि सीएफबी तो पूरे इंडिया में रहने वाला है, राइट, तो हमें किसी दूसरी जगह का पेड़ किसी दूसरी जगह नहीं लगाना, राइट। मतलब जो पेड़ साउथ में हो रहा है उसे हमें मिडिल इंडिया में लगाने की जरूरत नहीं है, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में लगाने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, क्लाइमेटिक कंडीशन के लिए जो बेस्ट सॉइल, बेस्ट क्लाइमेट जिस फल के लिए है वो ही उस एरिया में लगाए जाएंगे, राइट। ठीक है, जिससे हमें जो है उसकी बेस्ट जो है आउटपुट मिलना चाहिए, बेस्ट टेस्ट मिलना चाहिए, बेस्ट न्यूट्रिशन वैल्यू मिलना चाहिए, बेस्ट मेडिसिनल वैल्यू मिलना चाहिए। हम आपको अपनी प्रेजेंटेशन भेज देंगे। अभी ऐसे नहीं भेजना है, आपको प्रेजेंटेशन करना है ड्यूरिंग सेशन। एक्चुअली जैसे अगर आप जिस टाइप का बता रहे हैं, हाँ, उसका बनाने में हमको कम से कम एक हफ्ते का टाइम चाहिए। अरे आपको बिल्कुल एक हफ्ते नहीं लगेगा, आप तो क्लिप बना लीजिए और क्लिप को जो है ना डिस्प्ले करते जाइए। देखिए मैं अभी जैसे 8:30 बजा है, अब बस मैं फ्रेश होऊंगा, नहाऊंगा, नाश्ता करूंगा, तुरंत निकलना है मुझे अपनी जॉब पे। आपकी जॉब कौन सी है, काई की जॉब है? मैं रानी देश में सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, उसमें फील्ड असिस्टेंट की पोस्ट पे जॉब करता हूँ। ओके, ये कौन सी यूनिवर्सिटी है, कैसी यूनिवर्सिटी है? रानी लक्ष्मी सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है, आईसीएआर के अंडर में आती है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च के अंडर में। ओके, तो आप अपने एचओडी और हेड डिपार्टमेंटल हेड से मेरी बात कराइए। लगे तो आप यदि यूनिवर्सिटी है तो वाइस चांसलर से बात कराइए, ठीक है ना, उनको बताइए कि डीजी साहब बात करेंगे, एग्रो क्रांति कर देंगे इस देश में, वो सिर्फ मैथिली संगुप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उनको जो है ना, नाउ इट हैज बिकम द सेकंड पार्ट ऑफ योर जॉब, एक प्रेजेंटेशन वाला पार्ट हो गया है, दूसरा जो है ना ये वाला पार्ट हो गया है, राइट। क्या है कि अभी अभी आप अपनी समस्याएं मत बनाओ, बताओ वो बाद में बताना, पहले मुझे समझा लेने दो आप, ठीक है ना। फिर आप अपनी समस्या एक दो करके तीन करके बताऊंगा, उनका भी हम निदान करेंगे। तो आपका जो पेड़ आपने लगाए हैं वो कैसे पेड़ लगाए हैं, कितनी दूरी पे लगाए हैं, यदि उसको आप पेपर पे और उसको मिला के जो है ना उसको बनाएंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है ना। तो यू कैन से कि आपने क्या दूरी रखी है, क्या पेड़ लगाने के लिए आपने कोई सोच रखी है या बिना सोच के वैसे ही पेड़ लगा दिए है ट्रेंड, ठीक है, या आपकी कोई उसमें नीति रही है, कोई सोच रही है, राइट, ठीक। लेकिन क्राइम फ्री भारत एग्रो मॉडल की सोच रहेगी, उसकी सोच रहेगी कि उसे जो है हॉर्टिकल्चर प्लांट लगाना है, क्योंकि हम कंट्री की न्यूट्रिशनल नीड को पूरा करना चाहते हैं, ठीक है ना, ठीक ठीक। दूसरा हम जो है मेडिसिनल प्लांट्स को लगाएंगे, एरोमेटिक प्लांट्स को लगाएंगे, जिससे कि सौंदर्य प्रसाधन और मेडिसिन इन दोनों जो है डायमेंशन को हम कैटर फॉर कर सकें। और तीसरा जो है फॉडर के लिए ट्रीज लगाए जाएंगे, तो हम ट्रीज जो है जो अपना फॉडर का रिक्वायरमेंट है वो जो है घास की से अकेले नहीं, बल्कि उसका 80-90% जो है शुड कम फ्रॉम ट्री, राइट, बिकॉज ट्री हमको ज्यादा वेजिटेशन दे सकता है, करेक्ट। और ट्री के नीचे हम दूसरी ऐसी चीजें उगा सकते हैं, सो मल्टी लेयर्ड जो है कल्टीवेशन करेंगे। और हमारे एक साइंटिस्ट ने जो है ना 5 tier जो है कल्टीवेशन का ऑलरेडी फंडा निकाला हुआ है, तो उसको अध्ययन करके उसको इम्प्लीमेंट करें। इसका मतलब है बड़ा पेड़, उसके नीचे पेड़, उसके नीचे पेड़, उसके नीचे पेड़, तो हम मल्टी लेयर में उसको करेंगे, जिससे हम प्रोडक्टिविटी ऑफ द जो है लैंड उसको बढ़ा सकें, ठीक है ना, ठीक है। इसका और ये जो है ना जो टनल रहेगी वाटर, उसके दोनों तरफ लगाए जाएंगे, तो इसका डुअल पर्पज है, टू इंक्रीज स्पीड ऑफ द वाटर जो है ना ट्रिकलिंग डाउन इन द ग्राउंड, राइट क्योंकि हमें 2-3 साल के अंदर अपना वाटर का लेवल 8-10 फीट पे ऊपर लेके आना है, राइट, जिससे हम राहट वगैरह से भी अपनी पानी की आवश्यकताएं पूरी कर सकें, हमें बिजली के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी जीरो रहे, ठीक है, पूरी इंटीग्रेटेड सोच है, राइट। तो ये 3 तरीके के प्लांट लगाए जाएंगे, यदि किसी ने इस पर कोई रिसर्च वर्क किया है तो वो भी आइडेंटिफाई करेंगे, अदरवाइज हम अपना और अपनी खुद की हाइपोथेसिस लेके आएंगे, राइट, ठीक है। देन जो है इसमें एक एरिया गौशाला के लिए रहेगा, तो आपने भी गौशाला का बनाया हुआ है, ठीक है ना, तो जो गौशाला को आपने कैसे बनाया है, उसके क्या फीचर्स हैं, आपने बिल्कुल हल्का फुल्का वैसे ही बनाया है,
जो भी है आपको दिखाना है तो आप फिर गौशाला के ऊपर प्रेजेंटेशन करेंगे, राइट? ठीक है, तो उसकी वीडियो क्लिप करेंगे और मुंह से बोलेंगे उसको, ठीक है ना? ठीक है, ठीक है। तो ऐसी छोटी छोटी वीडियो क्लिप बनाना, एक साथ पूरा नहीं दिखाना है, राइट? मतलब पहले समझाना है, फिर वो वीडियो क्लिप दिखाना है, फिर उसको जो बचा हुआ भाग पर एक्सप्लेन करना है, फिर दूसरे पे चला जाना, फिर तीसरे पे चला जाना। क्लियर? क्लियर। अब गौशाला से आपकी चीजें निकली तो वो एक आपके गैस प्लांट में चली गई, ठीक है ना, गोबर गैस प्लांट में, और उससे निकली हुई चीजें या कुछ गोबर गैस में चली गई, कुछ आप जो है अलग से ऑर्गेनिक खाद बनाने के लिए यूज कर रहे हैं, तो वो ऑर्गेनिक खाद वाले एलिमेंट को और गैस प्लांट को ये दो अलग अलग क्लिप में बनाइए, ठीक है ना? ठीक है। अच्छा, इसमें आप माइक्रोब वगैरह का यूज कर रहे हैं, अर्थवर्म का यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? नहीं, जो भी स्टेटस है आप उसमें कह दीजिए कि साहब हम ये नहीं कर रहे हैं और आपकी बातचीत से हमें ऐसा लगा कि हमें ये भी करना चाहिए, तो हम आगे चल के ऐसा करेंगे। क्लियर? तो अब आपने गोबर गैस प्लांट की बात कर ली है और आपने बात कर ली है गोबर की से खाद बनाने की बात कर ली, ठीक है ना? गोबर की खाद आप कैसे बना रहे हैं, क्या डायमेंशन है, आपने एडहॉक कर लिया है या कोई उसमें आपने कोई साइंटिफिक सोच के साथ किया है, या आपको जो आपके पिताजी को जो सूझ पड़ा उन्होंने अपने मन से जैसा लगा वैसा कर लिया, ठीक है ना? ठीक है, ठीक। अब इसके बाद आता है कि जो बची हुई लैंड है उसमें आप प्रोडक्शन किन चीजों का कर रहे हैं, ठीक है, नहीं किस चीजों का कर रहे हैं, आप उसका वेजिटेबल्स का कर रहे हैं या वेजिटेबल्स और सीरियल दोनों का कर रहे हैं? सब कर रहे हैं, पल्सेस, सीरियल्स और वेजिटेबल्स और तो फिर आपको ये बताना पड़ेगा कि जो बचा हुआ एरिया है उसमें वेजिटेबल्स कौन सी कर रहे हैं और आपने उन वेजिटेबल को सिलेक्ट करने के पीछे आपकी सोच क्या थी। मतलब यहाँ पे बिना सोच के बिना दिमाग लगाए कोई काम नहीं करना, राइट? आपने नहीं लगाया तो आपको ये कॉन्टेस्ट करना है कि साहब हमने कोई ज्यादा सोचा नहीं है, इस एरिया में ये चीज पैदा होती इसलिए हम ये चीज पौधा कर रहे हैं, राइट? मतलब एक बड़ा कॉमन सेंस होता है कि सर हमारे इलाके में तो यही चीज चलती है, हमारे जगह में तो लोग यही चीज खाते हैं, इसलिए हमें यही चीज पैदा करना है, राइट? पाइप का पीस ले। क्लियर? हाँ हाँ। अच्छा, और कोई काम कर रहे हैं जितना अभी अपन ने कवर किया है? नहीं, इतना ही कर रहे हैं। हाँ हाँ। तो इतने के आप जो है ना, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, वीडियो क्लिप बनाना है और उसमें प्रेजेंटेशन का जो हम आपको वो भेज देंगे, एक ईमेल आईडी मेरे ख्याल से शायद भेजी है, क्यों श्याम बाबू आपने ईमेल आईडी भेजी है? भेजी या नहीं भेजी है बापू जी? सर आपने ईमेल आईडी भेजी थी मुझे क्या? हाँ सर, मैंने भेजी थी सर। अच्छा ठीक है, तो हम उसी पे जो है आपको अभी एक लिंक भेज देंगे, उस लिंक के माध्यम से आप प्रेजेंटेशन करेंगे और उसमें प्रेजेंटेशन अपलोड का ऑप्शन है, तो आप प्रेजेंटेशन उसमें अपलोड कर देंगे तो वो अपलोड प्रेजेंटेशन आपका जो स्क्रीन पर रहेगा वो सब उसको दिखाई देगा। वो सर आज इसलिए हो पाएगा, ये इसको चिन्मय को ही करना है। नहीं नहीं, अभी आज की बात नहीं, अभी तो हम कर रहे हैं करना क्या है, अभी तो अभी अभी आज को छोड़ दीजिए। मैं समझ गया, समझ गया। मतलब अभी तो ये समझना है करना क्या है, राइट? फिर जो आएगा सवाल की उसकी तैयारी क्या, ठीक है ना? तो जितना मैंने बताया इसके अलावा और कोई एक्टिविटी आपके फार्म में हो रही है? हाँ है, एग्री मतलब कृषि आधारित उत्पादों की प्रसंस्करण, पैकेजिंग, मार्केटिंग, ये सब चीजें। अच्छा ठीक है, तो अब जो है अब आप पैकेजिंग पार्ट पे जाओगे, तो पैकेजिंग आप कैसे कर रहे हो? हाँ। उसमें आपके पैकेजिंग के जब पैकेजिंग की बात करेंगे तो केवल पैकेजिंग के लिए बात, ठीक है ना? अच्छा, आपने ट्रांसपोर्टेशन के लिए कुछ अपना वो सिस्टम पैदा किया है क्या? नहीं अभी नहीं, ट्रांसपोर्टेशन नहीं किया, तो आप कह सकते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन हम लोगों ने अपना कुछ नहीं किया है, हम जो है बगल के ऑटो वाटो इस तरीके से ले जाते हैं, ठीक है ना? अब आपने बेचने के लिए कुछ दुकानें वकानें बताई बनाई है ऐसा आपने मुझे बताया, झांसी में। तो आप छोटा सा जो है ना वो उनका भी एक हल्की सी वीडियो क्लिप बना लेंगे कि साहब देखिए इस तरीके की हमारी ये है, यदि आपने उसमें कोई बोर्ड वोर्ड लगाए हैं तो वो उसको आप एक्सप्लेन कर देंगे। सब है, सब है, बहुत सुंदर आउटलेट बने हैं। हाँ, तो वो सुंदर एक तो होता है मुंह से कहना और एक होता है वीडियो क्लिप के माध्यम से कहना है कि देखिए साहब हम दिखाएंगे दिखाएंगे दिखाएंगे। आपको ये कहना है कि साहब हमने ये बनाया है, इसमें हमने इन चीजों का ध्यान रखा है, देखिए हमारा ये साइन बोर्ड है, देखिए हमने इसको ऐसा अरेंज किया है, यदि आपने उसमें रेफ्रिजरेशन करके कुछ ठंडा रखने का रखा है जिससे कि आपकी वेजिटेबल ज्यादा समय तक चल जाए तो वो आप दिखाएंगे, साहब देखिए हमने इसको ऐसा भी किया हुआ है, जो किया है, राइट? या जो करने के आगे प्लान है वो आप कह सकते हैं कि साहब आगे चल के हम ऐसा भी करने का सोच रहे हैं। ठीक है, ठीक है, क्लियर। अच्छा, अब इसके अलावा और कोई ऐसी चीज कर रहे हैं जो मैंने अपने डिस्कोर्स में नहीं एक्सप्लेन की है? एक काम और हम कर रहे हैं कि इस पूरे काम में सबसे ज्यादा जो हम आवश्यकता महसूस कर रहे थे कि लेबर की प्रॉब्लम है इसमें बहुत ज्यादा,
तो लेबर को स्किल्ड करने के लिए हमने एक काम प्रारंभ किया है और वो उसको हम बढ़ाने वाले हैं कि जो मजदूर अन्य कामों में मजदूरी करते हैं तो इसकी दो डायमेंशन है एक्चुअली में। अभी क्या होता है कि हम लोग नालायकों जैसे कोई कोर्स चलाते हैं जिसमें दुनिया की 2500 चीजें परोस देते हैं, राइट। हाँ। सामान्य ज्ञान से लेकर उसको 6 महीने 8 महीने 1 साल का कोर्स बना देते हैं। हम उससे जो काम कराना चाहते हैं, सीएफबी की ऐसी सोच है, उससे हटके उसको कुछ नहीं सिखाया जाएगा, राइट। यदि सीएफबी को कल लगता है कि उससे हमें कोई दूसरा काम कराना है और उसके लिए दूसरे स्किल की जरूरत है तो वो स्किल डेवलपमेंट कोर्स 2 में जाएगा फिर, ठीक है ना। हेलो, हाँ जी सर, जी सर। तो उससे क्या है कि हम कोर्स का ड्यूरेशन बहुत छोटा रख सकते हैं, 3 दिन 5 दिन 7 दिन, 7 दिन से ज्यादा का समय तो लगना नहीं चाहिए, राइट। 5 दिन तो हमने सिखाया और वो कल से काम करने के लिए अवेलेबल हो गया है। सामने वाले को भी मालूम है कि साहब हमने हम उसको सर्टिफिकेट भी देंगे, तो वो जो सर्टिफिकेशन है उसके बाद उसे कहीं एम्प्लॉयमेंट खोजने जाने की जरूरत नहीं है, राइट। सीएफ भी उसको एम्प्लॉयमेंट भी दे देगा, राइट। अब आपने उन लोगों को यूज करने के लिए कुछ इक्विपमेंट, मशीनरी, टूल्स वगैरह का भी सोचा है कि नहीं? कुछ नहीं सोचा। वो जो काम कर रहे हैं उसके लिए आवश्यक सब चीजें हैं? नहीं, तो वो आपको अब ना ये एलिमेंट होगा कि जो वर्कर्स जो है ना, पहले आपने उनकी स्किल डेवलपमेंट की है, वो उसके छोटी सी क्लिप अलग बनाइए, राइट। फिर उन वर्कर को स्किल डेवलपमेंट के बाद वो कैसे जो है ना काम कर रहे हैं और आपके मजदूर दूसरे लोगों के मजदूर की तुलना में कैसे भिन्न काम कर रहे हैं, इस पार्ट को आपको उन वर्कर्स को काम करते हुए दिखाते हुए करना है कि देखिए साहब इस टूल को यूज कर रहे हैं, ये चीजें आवश्यक हैं। तो जितने भी टूल आप यूज कर रहे हैं हर टूल के ऊपर जो है ना आप छोटी छोटी क्लिप बना दीजिए, अलग अलग क्लिप, ठीक है सर। तो आप ये कहेंगे कि साहब देखिए अभी ये देखो इस टूल का यूज कर रहा है, अभी इस टूल का यूज कर रहा है, इस टूल का यूज कर रहा है, और उसमें जो है उसकी भी रिकॉर्डिंग कर लीजिए कि तुमको पहले आता था क्या, नहीं आता था, कैसा लगा, कितना समय लगा, तुम आराम से कर ले रहे हो, पहले यदि तुमको ये टूल नहीं मिलता तो तुमको कितना समय लगता, कितनी मेहनत लगती, अब इस टूल से काम कर रहे हो तो कितने कम समय में और कितने एफिशिएंटली उस काम को कर पा रहे हो, ठीक सर। अच्छा, इसके अलावा और कोई डायमेंशन है? नहीं, बस है, बस इतना है। इतना ही है। अब ये बताइए कि इन सब चीज की तैयारी करने के लिए आपको कितना समय चाहिए? हम उतने समय बाद आपसे बात करेंगे। 6-7 दिन का टाइम। 6-7 दिन का हमने आपको 7 दिन का समय दिया, तो हम अगले मंडे को आपसे बात। इसलिए कि हमें नहीं, नहीं, नो इशू, टाइम का इशू नहीं है। अब जो है आपके तीनों बच्चे जो है ना, जो कि इसी फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो आप एक ग्रुप बना लीजिए, अपने बच्चों को भी जोड़ दीजिए और जो भी लाइक माइंडेड और लोग हैं उनको जोड़ दीजिए। अभी आपने ग्रुप बना दिया है क्या? नहीं, ग्रुप हम लोगों का तो कई ग्रुप से जो हमारे तो आप उसका दूसरा एक तो जो है ना उस ग्रुप में आप मुझे जोड़ दीजिए, तो आपको अलग से जो है ना ग्रुप बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। फिर आपको उसका नाम रखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, लेट इट कंटिन्यू विद दैट, राइट। लेकिन आप मुझे जोड़ेंगे विद एडमिन राइट, ठीक है ना। तो एक काम ये हो गया आपका, और इसके बाद जो है जब आपका ये प्रेजेंटेशन हो जाएगा तो फिर एक डिफरेंट सेशन अपन रखेंगे कि आगे से आपकी जर्नी क्या हो सकती है सीएफबी के अम्ब्रेला के नीचे, ठीक है। तो आप बात समझ रहे हैं ना? मैं समझ गया। हाँ, तो अभी तक तो जो है आप अपने विवेक से इतना कर पाए, राइट। अब आपके पास इतना बड़ा अम्ब्रेला आ गया है जो कि पूरे देश को जोड़ेगा, पूरे देश में जो है ना केमिकल फ्री कर देगा, तो इसकी सोच बहुत बड़ी है, ठीक है ना। जी सर, राइट। आप जैसे आप जब गौशाला का बताएंगे तो आप मुझे उसकी गाय की ब्रीड बताएंगे, आप उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल होना चाहिए, ठीक है। कि ये ब्रीड है, हमने इतने में खरीदी है, उसको आपको क्या दिक्कत आई, आपके कोई सुझाव है तो वो उस पार्ट को कवर करने में, ठीक है ना। ठीक है, तो श्याम बाबू हम लोग जो है बात करेंगे अगले मंडे को, और समय क्या अच्छा रहेगा बच्चे का? मुझे लगता है कि वो अपने कॉलेज से लौट आए शाम को सात बजे रखेंगे। तो अगले सोमवार को शाम को 7 बजे सेशन है, और उस तक 7 दिन तक आपके बच्चे को अपने जॉब से लौटने के बाद जो समय मिले वो उसको यूज करके आप हर दिन अपनी तैयारी जारी, ठीक सर, ठीक है ना। और जो आपकी जितनी तैयारी होती जाए आप हमें शाम को ब्रीफ करें कि सर आज हमने ये रिकॉर्डिंग कर लिया, आज हमने ये कर लिया, आज हमने ये कर लिया, ठीक है ना। क्लियर? ठीक, चलिए। तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम आपके काम को और सिस्टमेटिक करके सीएफबी की जो लंबी सोच है, और आप अपने बच्चों को भी कहिए कि वो क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को वो कर लें, अपने ग्रुप में सभी को कहिए कि वो सब्सक्राइब करें, और आई विल रिक्वेस्ट देम टू सी द वेरियस थिंग्स, क्योंकि हमारे उसमें तो बड़ा अम्ब्रेला है, वो अकेला जो है ना एग्रो की बात नहीं कर रहा है,
वो जो ना आयुष की बात कर रहा है, वो ई कॉमर्स की बात कर रहा है, वो तो जो है ना आपकी पूरी जो आवश्यकताएं हैं वो एंड टू एंड सॉल्यूशन देगा। ठीक है सर। वो आपके गांव की दुकान की भी बात कर रहा है, राइट? ठीक है। तो ये चीज जो है वो जन जन तक पहुंचे और हम बहुत जल्दी जो है ना इन मॉडल्स को लॉन्च करने की स्थिति उसमें आ रहे हैं। और हमारा जो रहेगा वो ज्वाइंट वेंचर कॉन्सेप्ट के तहत रहेगा। जी सर। तो जो फार्मर्स हमसे जुड़ेंगे उनसे बाकायदा लीगल ज्वाइंट वेंचर डॉक्यूमेंट साइन होगा। तो हमसे क्या फायदा मिलेगा वो सब उसमें लिखा रहेगा, क्या आपके ऊपर बंधन रहेंगे, क्या रहेगा, एक पूरा डॉक्यूमेंट उसके ऊपर पूरा लीगल डॉक्यूमेंट रहेगा जो कि इनफोर्सेबल होगा। और इसको पहुंचाने के लिए हमने LIC पॉलिसी वाला जो मॉडल रखा है कि जो इस काम को जोड़ने में मदद करेगा उसे जो है डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द फार्म ही विल बी गेटिंग 2,000, 5,000 and 10,000 का जो है ना उसे इंसेंटिव तत्काल मिलेगा। राइट। जैसे ही ज्वाइंट वेंचर डॉक्यूमेंट साइन होता है ही विल गेट दिस इंसेंटिव। और उसको ये तो हो गया है वन टाइम वाला, राइट? फिर उसको एक 10% उसका अभी डिसाइड नहीं किया है, से 10% वो 10% ही विल गेट फॉर जो है ना मेंटेनिंग दैट रेफ। तो ही सपोज टू जो है ना अटेंड दोज फार्म जिनसे ऑलरेडी अपना ज्वाइंट वेंचर हो गया है, उसमें उसको 10% ऑफ द फीस उसको ऑटोमेटिकली मिल जाएगी पुराने वाले में। तो जैसे LIC मॉडल में जो है उनकी आमदनी बहुत जल्दी बढ़ती है, तो ऐसे ही इस मॉडल में बहुत आमदनी बढ़ेगी और बहुत सारे लोग जो है ना वो सिर्फ इस चीज को जन जन तक पहुंचाने में और उन्हें पार्टनर बनाने में ही काम उनको करना है। ठीक है? ठीक सर। राइट। तो मेरे ख्याल से आपके प्रेजेंटेशन के बाद एक डिफरेंट सेशन रखेंगे जिसमें आगे की क्या योजना है उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक सर। धन्यवाद सर। राइट राइट श्याम बाबू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। धन्यवाद सर।